दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम के अंदर कस्टम रूम कैसे क्रिएट करते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कस्टम रूम क्या होता है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कस्टम रूम क्या होता है। बेसिकली कस्टम रूम का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई प्राइवेट गेम खेलना होता है। अब प्राइवेट गेम का यहाँ पे मतलब ये है कि मान लीजिए मैं और आप 1v1 खेल रहे हैं, या फिर अगर आप अपने फ्रेंड के साथ स्क्वाड में खेलना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कस्टम रूम की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कस्टम रूम के थ्रू दोस्तों आप किसी के साथ भी प्राइवेटली गेम खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अबे चल यार तू मुझे क्या रहेगा, अच्छा बेटा इतना कॉन्फिडेंस, आजा गेम में बताता हूँ, अच्छा आजा तब आज दो दो हाथ हो ही जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने किया आपको चैलेंज और आपने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो हमें जरूरत पड़ेगी एक कस्टम रूम की, तभी जाके हम जो 1v1 खेल सकते हैं और एक दूसरे को जो है कंपटीशन दे सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों कस्टम रूम। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अब हम क्रिएट करते हैं कस्टम रूम को और देखते हैं कि कस्टम रूम कैसा होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है कॉल ऑफ ड्यूटी का इंटरफेस, और यहाँ पे इंटरफेस इसका काफी भरा भरा लगता है और काफी कचरा सा लगता है, जिसमें न्यू यूजर को जो है बिल्कुल समझ नहीं आता। वेल दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम जो जो स्टेप करते जाएंगे आप लोगों को हाईलाइट करके मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड में आप देखिए तीन मैप अलग अलग दिया हुआ है, पहला रैंक्ड मैच, दूसरा मल्टीप्लेयर और तीसरा बैटल रॉयल। तो तीनों में आप कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को इन्वाइट करके खेल सकते हैं। तो सिंपली मैं चलता हूँ आपको यहाँ पे क्लासिक वाले मैच में, बैटल रॉयल में, और यहाँ पे हम आ चुके हैं। इस मैप के अंदर जब आओगे आप तो यहाँ पे आप ऊपर साइड राइट साइड ऊपर कॉर्नर में देखना छोटा तीन लाइन है, ठीक है, इस वाले लाइन पे आना है और यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको प्राइवेट वाले ऑप्शन पे जाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा रूम क्रिएट हो गया है। दोस्तों आपने पबजी में कभी खेला होगा तो वहाँ पे भी आपने रूम क्रिएट किया होगा या फिर कभी देखा होगा, तो वहाँ पे हर बार रूम क्रिएट करने के लिए आपको एक रूम कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर बार जो है रूम कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। कोई रूम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जब आप मन चाहो तब आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और आप किसी को इन्वाइट करके खेल सकते हैं। तो ये जो बैटल रॉयल है इसमें आप पूरे टोटल 100 लोगों को जो है आप इन्वाइट कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना सीट खाली है। अगर मुझे गेम खेलना नहीं है, मैं स्पेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ गेम प्ले को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर में आप देखो स्पेक्ट लिखा हुआ है, उसकी जगह पे तीन जगह खाली है, मतलब तीन लोग यहाँ पे स्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये खाली वाले जगह पे मैं किसी भी जगह पे मैं टच करूँगा और मैं इस वाले सीट पर बैठ गया। अब इधर मैं खेलूँगा नहीं, मैं सिर्फ देखूँगा, लेकिन अगर मुझे खेलना है तो मैं इधर कोई भी सीट पर मैं टच करूँगा, मैं उधर आकर बैठ जाऊँगा जिस तरह से आप मेरे रूम पर आते हैं। अच्छा अभी मैं कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर आईडी लिखा हुआ है, ये इसी आईडी के थ्रू कोई भी आपके रूम को जो है ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर मुझे इस रूम पे पासवर्ड लगाना है तो वो पासवर्ड हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए जस्ट आईडी के नीचे एक रूम का ऑप्शन दिख रहा है, रूम लिखा हुआ है, उस पर आपको टच करना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर रूम का नाम आप चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है और दूसरा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर पासवर्ड और रूम दोनों चेंज कर सकते हैं। तो रूम में मान लीजिए मैंने यहाँ पर रूम चेंज करके और लिख दिया मैंने घोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे मेरा घोस्ट रखना है, घोस्ट कर दिया या पासवर्ड पे टच कर दिया या पासवर्ड पे आ गया और कुछ भी मान लीजिए मैंने पासवर्ड रख दिया, तो इस तरह से पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं अपने रूम पे। ओके दोस्तों, और अगर आप इस रूम्स के रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स करना चाहते हो गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले, तो देखिए नीचे लिखा है रूम प्लेयर नम, इस पर टच करोगे और ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं हो रहा, सॉरी, ये तो अब कितने लोग ज्वाइन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, कितने नंबर्स आप यहाँ पे 100 में कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छा अभी आप देखोगे राइट साइड में किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आप इनवाइट कैसे करोगे, तो इनवाइट पर टच करोगे, जितने भी फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन है आप उसको इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। वो इनविटेशन चला गया, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो सीधा आपके रूम पर ज्वाइन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे काम करता है। अच्छा अभी मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आप नीचे क्लासिक लिखा है, अभी डुओ में खेलना है, स्क्वाड में खेलना है, कैसे खेलना है, टीवीपी खेलना है, एफपीपी खेलना है, यहाँ से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था क्लासिक मैच में किस तरह सेटिंग करना है। और हाँ दोस्तों, ये तो मैंने रूम क्रिएट किया, मैंने किसी को ज्वाइन किया या किसी को इनवाइट किया, लेकिन कोई सामने वाले बंदे को मैंने आईडी और पासवर्ड दिया है तो वो कैसे ज्वाइन करेगा, तो सिंपली वो इसी वाले मैप के अंदर आएगा
बैटल रॉयल के अंदर, और यहाँ पे आप देखिए होम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर में। इस होम वाले पे ऑप्शन पे जाएगा, यहाँ पे सर्च आएगा, और सर्च में मेरा जो आईडी था उस आईडी को यहाँ पे वो सर्च करेगा, और उसके बाद उसको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा और पासवर्ड डाल के उसको ज्वाइन कर देना है, अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो। इस तरह से वो ज्वाइन कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टीडीएम मैच को हम कैसे रूम क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेयर है, यहाँ पे देखिए मैंने टच किया, सेम प्रोसेस है दोस्तों। ऊपर में छोटे वाले तीन वाले लाइन पे आना है राइट साइड में, और यहाँ पे भी प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, उस वाले ऑप्शन पे जाना है और प्राइवेट रूम आपको यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप 10 लोगों के साथ खेल सकते हो, 5 लोग एक साइड, 5 लोग एक साइड, और यहाँ पर एक्सपेक्ट करने वाले 5 लोग हो सकते हैं, टोटल 15 लोग हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। सेम यहाँ पे इनवाइट, ऐसा ही इनवाइट कर सकते हो। और अगर आप किसी कोई फ्रेंड सामने से किसी को आईडी और पासवर्ड आपने दे दिया, या फिर पासवर्ड नहीं लगाया सिर्फ आईडी दिया हुआ है, तो वो इसी तरह से ज्वाइन करेगा। इस वाले मैप के अंदर आएगा, इस होम पे टच करेगा, और यहाँ पे आपका रूम कार्ड का जो आईडी था वो यहाँ पे सर्च करेगा, आपके रूम पे वो ज्वाइन कर लेगा। अब इसमें सेटिंग्स कैसे करना है, देखिए ऊपर यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है आपका आईडी। उसके बाद मैच सेटिंग्स पे जब टच करोगे तो यहाँ पे मैच में सेटिंग्स कुछ दिया हुआ है कि रूम का पासवर्ड, देखिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं, पासवर्ड का ऑप्शन इधर है, पासवर्ड लगा दोगे तो आपका पासवर्ड लग जाएगा रूम पे। आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसको किल लिमिट और कितने लोग ज्वाइन हुए ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे भी दोस्तों नीचे फ्रंट लाइन है। अभी यहाँ पे आप 5 लोगों के साथ खेलना चाहते हो, सिंगल लोग भी रहोगे तो इसमें कोई भी नहीं है, डुओ और स्क्वाड के कोई लेना देना नहीं है, जितने लोग भी ज्वाइन होंगे उतने लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर मैं टच करूँगा तो ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था कस्टम रूम जैसे हमने क्रिएट किया, ऐसा ही आप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर अभी भी आपको समझ नहीं आया इस वीडियो में कुछ भी, तो नीचे कमेंट्स करना, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने कस्टम रूम क्रिएट कर लिया, और ऐसे ही आप भी जो है कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के को इन्वाइट करके या फिर अपने फैमिली के साथ जो है ऐसे प्राइवेटली गेम खेल सकते हैं और एक दूसरे को चैलेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलना। और आप सभी से आज का 2 सवाल है। पहला तो ये, क्या कभी आपने कस्टम रूम यूज़ किया है या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। इन दोनों सवालों का आंसर आप नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।